हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। सो आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैप्टर है आपकी बुक हिस्ट्री से, हाउ व्हेन एंड वेयर, इट्स चैप्टर नंबर 1। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। सो टॉपिक आपका फर्स्ट है, हाउ इम्पोर्टेंट आर द डेट्स। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे जो हमारा जो चैप्टर है वो किसी पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड नहीं है। आप ये मान के रख लीजिए वो पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड नहीं है, वो हमें हिस्ट्री से क्या कर रहा है, हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कुछ मजेदार टॉपिक इसके अंदर है। सो हाउ इम्पोर्टेंट आर द डेट्स। अब भाई डेट्स की भी इंपॉर्टेंस होती है क्या? हमने तो आज तक नहीं देखी, लेकिन हाँ हिस्ट्री में जरूर होती है डेट्स की इंपॉर्टेंस। अब जैसे हम हिस्ट्री की बुक खोलते हैं, देखते हैं कि अरे ये रही हिस्ट्री की बुक में, सबसे पहले तो बोरिंग बोरिंग डेट्स आ गई। लेकिन एक बात बता दूं, बोरिंग बोरिंग चीजों की भी ना अलग एक इंपॉर्टेंस होती है। वैसे हमारे ये डेट्स हैं, ठीक है। सो डेट्स वेर वेरी हेल्पफुल टू कैटेगराइज इवेंट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप जानते हैं कि डेट्स की अपनी ही अलग से इंपॉर्टेंस नहीं है, डेट्स इवेंट्स को दर्शाते हैं। समझ लीजिए आपकी मम्मी कल सब्जी लेने गई, अभी एक इवेंट हो गया, वो एक सब्जी लेने गई, ठीक है, और आपने उसको डेट दिया कि हाँ चलिए 27 तारीख को, समझ लीजिए 27 तारीख जनवरी 27 तारीख को वो सब्जी लेने गई। अब क्या सब्जी लेने वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट लगी आपको? क्या वो हिस्ट्री में दर्ज करी जाएगी? नहीं ना। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से युद्ध लड़े गए थे भाई, भीषण भीषण युद्ध लड़े गए थे राजपूतों में, मुगलों में, इतने इतने युद्ध हमारे इंडिया ने भी लड़े हैं, प्लस बहुत से अलग अलग देशों में भी युद्ध लड़े गए हैं। हिस्ट्री में तो होता रहता था, हिस्ट्री में जो हमें इतने इवेंट्स मिलते हैं वो कैसे याद रखते हैं, वो डेट्स से याद रखते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं पार्टीशन हुआ था भाई, इंडिया पाकिस्तान के बीच पार्टीशन हुआ था, तो वो कैसे हमें पता चलेगा? वो भी डेट्स के जरिए पता चलेगा, 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन हुआ। तो इसलिए डेट्स रखती है एक अलग ही इंपॉर्टेंस। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? ये भगत सिंह है। भगत सिंह भाई इनका जन्मदिन कब आता है? आपसे पूछते हैं आपका जन्मदिन कब आता है? फ्राइडे आएगा। क्या पता चल जाएगा फ्राइडे? कौन सा फ्राइडे, कौन से मंथ का फ्राइडे? अगर आप बोलेंगे कि मेरा जन्मदिन 27 अक्टूबर को आता है, तो वो इंसान आपके घर 27 अक्टूबर को ही टपक जाएगा, ठीक है, वो आपके यहाँ पार्टी लेने पहुंच जाएगा। सो वैसे इनका बर्थडे 23 सितंबर 1907 में पैदा हुए थे, इससे हमें पता चलता है कि इनका बर्थडे इस डेट पे है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक पिक्चर दे रखी है लिप्टन टीज की। भाई आप जानते हैं लिप्टन ग्रीन टी बनाता है, इंडिया में कौन नहीं पीता लिप्टन, और इंडिया का ही ब्रांड है ये। सो लिप्टन टीज कब पब्लिश हुए थे भाई, ये लोग कब लॉन्च हुए थे, ये लोग कब बाजार में आए थे, लोग इन्हें कब खरीद रहे थे, अलग अलग डेट, अलग अलग डेट अलग अलग इवेंट्स को मिलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, डेट कैन हेल्प एग्जामिन फैक्ट्स अबाउट पर्टिकुलर डायनेस्टी और इनॉग्रेशन ऑफ थिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत से राजा हैं, बहुत से किंग्स हैं, रूलर्स हैं, या फिर उनके बेटे हैं या उनकी रानियां हैं। भाई कोई कोई रानियां गद्दी पे बैठती हैं, कोई कोई रूलर्स गद्दी पे बैठते हैं। अभी किस दिन पे बैठे हैं, किस दिन पे इनका जन्म हुआ है और किस दिन ये मरे हैं, मुगल डायनेस्टी कब से चली आ रही है, इन सारी चीजों का डेट्स में मतलब डेट्स हेल्प कर देती है। इन सारी लाइक हिस्ट्री से आपको कनेक्ट होना है ना, तो डेट्स हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल रहती है, ठीक है। डेट्स की अगर इंपॉर्टेंस हम जब साइड में देखते हैं, यार डेट्स की इंपॉर्टेंस इसमें होती है, लेकिन नहीं, एक एक चीज को, एक एक इवेंट को हिस्ट्री से जोड़ने के लिए डेट्स काफी हमें मदद करती है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हेल्प टू कनेक्ट विद द हिस्ट्री बेटर। अब जैसे कि मैंने बताया कि हिस्ट्री में पहले क्या होता था, बहुत बैटल्स ये सब लड़े जाते थे, इस वजह से उनको कनेक्ट करने में डेट्स काफी मदद करती थी। इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, विच डेट्स। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कल ना मेकअप ब्रशेस खरीद के लेके आई थी, या फिर मैं ना अपने भाई के लिए बहुत बड़ा रेसिंग कार खरीद के आई थी, चलो हिस्ट्री की बुक में डाल दो। ये कहीं से भी आपको लगा कि रेलेवेंट है, कहीं से भी आपको लगा कि इंपॉर्टेंस ही रखता है? नहीं ना। सो एक एक पर्टिकुलर इवेंट की इंपॉर्टेंस ही पता चलती है। लाइक कि अगर समझ लीजिए मैं बात करूं 15 अगस्त की बात करूं, भाई वो तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और उसको डेट दिया गया है, उसको हिस्ट्री में हमारा एक अलग से स्थान दिया गया है। तो डेट
की भी इम्पोर्टेंस होती है इवेंट्स के ऊपर लेके, लाइक इवेंट क्या इवेंट है उसी के हिसाब से डेट्स को जाना जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, ऑल द अदर डेट्स गिवन अकाउंट ऑफ गवर्नर एंड किंग रूल्ड इन इंडिया। ये मैंने आपको बता दिया कि जो जो किंग हमारे यहाँ पे रूल करके गए हैं उनकी डायनेस्टी क्या क्या थी ये हमें पता रहता है, लेकिन कब आई, उनके बेटे कब से राज करने लगे, उनकी डेथ कब हुई, सो ये सारी चीजों का डेट्स, विच डेट्स मतलब कि कौन सी महत्वपूर्ण डेट्स। सो जो हिस्ट्री में जितने भी हमारे जितने भी हुए हैं मुगल रूल एंड ऑल दोस थिंग्स, सो वो इम्पोर्टेंस ही अपने रखते हैं। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड हिस्ट्री एंडेड अप विद लॉर्ड माउंटबेटन। आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के राज में ये गवर्नर्स ही रहते थे भाई, गवर्नर जनरल वाइसरॉय ये सब रहते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये लोग समझ लीजिए पब्लिश हुए थे, ये अपना जो राज है उसको पब्लिश कर रहे थे कब, 1777 से, ये समझ सकते हैं आप जनरल की गद्दी पे बैठ गए थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपको अगर आप हाउ व्हेन एंड वेयर जो चैप्टर है उसमें पूरा ये सब ही लिखा हुआ है कि भाई ये जनरल कब बैठा, ये गवर्नर कब बैठा, कब कब कहां से कहां तक, तो इन सब के ऊपर ही पूरे के पूरे इस चैप्टर में बेस्ड लिखा हुआ है। अब पहले वॉरेन हेस्टिंग्स पहले फर्स्ट गवर्नर बने, फिर लाइटन, रिपन, कर्जन, लॉरेंस और डेलहाउजी, और फिर लास्ट में आ जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो इतने सारे गवर्नर्स थे और उनके अलग अलग यू नो एक हिस्टोरिकल डेट्स इवेंट्स ये सब रखने में ये पूरा चैप्टर निकल गया था। ठीक है, और फिर डेट्स आर नो इम्पोर्टेंट ऑफ देयर ओन बट बिकॉज ऑफ द इवेंट्स दैट आर कनेक्टेड विद देम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि डेट्स की अपनी कोई अलग से पहचान नहीं है। अब 26 जनवरी क्या, 26 जनवरी क्या, ऐसे डेट्स कुछ भी बोल दिया भाई, उसके पीछे क्या डेट मतलब उसके पीछे क्या इवेंट है, क्या इवेंट है उसके पीछे भाई, 26 जनवरी रिपब्लिक डे उस दिन हमारा संविधान बना था, तो क्या आ गया यहाँ पे, आ गया इवेंट, इवेंट के पीछे डेट है, मतलब कि इवेंट देखा जाएगा पहले कि क्या क्या हुआ था उस वक्त पे, उसके बाद डेट को एक इम्पोर्टेंस दी जाएगी। सो इसी के साथ विच डेट्स कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंस रखती है, हमके पीछे का इवेंट देखकर ही पता करा जाता है कि कौन सी डेट को इंपॉर्टेंस देना है। इसी के साथ हमारा ये वाला पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मेन टॉपिक है हाउ डू वी पीरियडाइज, इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जेम्स मिल 1870 के टाइम पे भारत में थे, वो एक ब्रिटिशर थे, साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट भी थे और फिलोसोफर भी थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पब्लिश करी 3 volumes ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुक बनी हुई है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया की 3 volumes निकाली। ठीक है, अब जैसे कि इसमें काफी ज्यादा बताया जाता है हमारे इंडिया के बारे में, ब्रिटिशर्स ने बहुत ही लाइक होती नहीं है बहुत ही नीची होती नहीं है सोच रखी थी हम लोगों ने कि हमारे हिंदू भाई हमारे मुसलमान भाई लड़ते रहते हैं। अब ये बिल्कुल सच नहीं है, इस बुक में ऐसे बताया गया है, उस वक्त पे हमारा भारत तब भी डेवलप्ड था और आज भी डेवलप्ड है, आज तो सारे के सारे कंट्रीज को पिछड़ दे रहा है, सारे के सारे कंट्रीज को मात दे रहा है हर चीज में, लेकिन ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था और इस चैप्टर में ऐसा गिवन है कि भारत को और सिविलाइज बना देना चाहिए था, वहां पे डेमोक्रेसी इक्वालिटी और ऐसी बहुत कई ज्यादा चीजें लानी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 3 sections मॉडर्न मिडिवल एंड एशियंट। तो इसमें क्या बताया है, हिस्ट्री को 3 section में जेम्स मिल ने डिवाइड करा था, जैसे कि उसने अपने बुक में 3 section में डिवाइड करा था, एक था मॉडर्न, दूसरा था मिडिवल, तीसरा था एंशियंट। सो मॉडर्न क्या था, मॉडर्निटी यहां पे लिखी गई है, इक्वालिटी लिबर्टी एंड साइंस एग्जिस्ट करती थी। मॉडर्न पीरियड में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती थी, इक्वालिटी रहती थी, डेमोक्रेसी रहती थी और कस्टम्स रहते थे, मैनर्स रहती थी, लिबर्टी राइट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्नति की तरफ दर्शाती है, जो उन्नति की तरफ
अपना पूरा एक छाप छोड़ती है कि वो उन्नति की सारी जितनी भी होती है ना, उन्नति करने की जो जो पॉइंट होते हैं वो सारे मॉडर्निटी में इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा क्या आता है, मिडीवल। मिडीवल है फीचर्स ऑफ मॉडर्न एरा डजंट एग्जिस्ट। मतलब कि मॉडर्निटी में क्या क्या था, इक्वालिटी थी, लिबर्टी थी, साइंस थी, ये सारी चीजें मिडीवल में नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि एंशियंट भी तो तीसरा पार्ट है, एंशियंट भी तो है जिसमें डिवीजन में आया है मॉडर्न, मिडीवल एंड एंशियंट। सो आप सोच रहे होंगे कि एंशियंट क्यों नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, एंशियंट इसलिए नहीं है क्योंकि एंशियंट को कोई रेलेवेंस ही नहीं दी गई है। वो इसलिए क्योंकि एंशियंट, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा हमारा रोमन एम्पायर, एडी, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, ये सारी चीज। जब ईसा मसीह, जब क्रिश्चियनिटी आई थी, जब क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट आए थे, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, उस वक्त की बात बताई जा रही है एंशियंट हिस्ट्री को। ठीक है, सो हमें पता चल गया कि जेम्स मिल ने तीन पार्ट में डिवाइड करा था हिस्ट्री को, और वो थे मॉडर्न, मिडीवल एंड एंशियंट। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा पूरा हाउ डू वी पीरियडाइज, पीरियडाइज करने का ये पूरा लेक्चर जो जेम्स मिल ने पीरियडाइज कर दिया है, सारे हिस्ट्री को एक अलग अलग तरीके से पीरियडाइज कर दिया है, इसके ऊपर ये पूरा एक टॉपिक था, ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है, वॉट इज कॉलोनियल। अब आपको दो चीजें बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, वो है कॉलोनियल एंड कॉलोनियलिज्म एंड या फिर कॉलोनियलाइजेशन। ठीक है, अब कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश के कब्ज में यानी कि ब्रिटिश के राज में जिस देश में इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, कस्टम एंड एजुकेशन बिल्कुल नहीं है उसे हम कहेंगे कॉलोनियल। ठीक है, और कॉलोनियलाइजेशन किसे कहेंगे, जब कोई एक कंट्री सब्जुगेट, सब्जुगेट मतलब कि किसी एक कंट्री पे ओबे, लाइक उसको ओबे करने के लिए कह रही है, यानी कि उस पर दबाव डाल रही है कि तुम मेरा राज मानो, मैं जो बोलूंगा वो तुम करोगे। जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को चलाने लग जाती है अपने तरीकों से, उसको कह देते हैं कॉलोनियलाइजेशन। ठीक है, दोनों टर्म समझा दिया मैंने। सो फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन वन कंट्री टू कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री वी रिफर इट एज कॉलोनियलाइजेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया। रेवेन्यू वर कलेक्टेड, मैपिंग ऑफ इकोनॉमिक क्रॉप्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वेर इंट्रोड्यूस। आप पहले से जानते हैं ब्रिटिशर्स जब आए थे तब ब्रिटिशर्स लाना चाहते थे यूरोपियन वैल्यूज, कस्टम्स, मैनर्स, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया में सब चीजें बिल्कुल नहीं है, और वो अपना जितना भी वो अपना कस्टम्स और मैनर्स थे जो यूरोप में रहता था वो इंडिया के ऊपर थोप देना चाहते थे। जेम्स मिल चाहते थे कि इंडिया को एक सिविलाइज इंडिया बना दिया जाए जहां पे ये सारी चीजें रहें, इक्वालिटी, कस्टम्स, मैनर, ये सारी चीजें बरकरार रहे। ठीक है, सो क्या क्या करा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ले आए भाई, मैपिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैपिंग है। ठीक है, मैपिंग नॉर्मल सा मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया है, मींस लाइक यहाँ पे दे रखा है रेनफॉल, इंडिया में कितनी रेनफॉल होती है, कितना ज्यादा खेती होती है इंडिया में, और लाइक कहाँ कहाँ पे बीट मिल जाएगा, कहाँ कहाँ पे मिलिट्री पावर हम अच्छी कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम सर्वे कर सकते हैं, कहाँ पे खेती अच्छी होगी और कहाँ पे अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनेगी। सो इनका पहले ये था कि पहले हम पूरे भारत को ढंग से जानेंगे, उसके बाद ही हम कुछ स्टेप्स लेंगे। थे तो बड़े बुद्धिमान, तो स्टेप्स लेने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने हमारे भारत को जान लिया था। ठीक है, सो इकोनॉमिक क्रॉप्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये सब इंट्रोड्यूस कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपियन आर्ट मैनर्स लॉज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली। आप जानते हैं कि वो यूरोपियन आर्ट मैनर्स इन सबको इंडिया में पब्लिश करना चाहते थे, इंडिया में पूरी तरीके से ला देना चाहते थे, लोगों को सिविलाइज कर देना चाहते थे। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आता है हाउ डू वी नो, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, बहुत अलग अलग टॉपिक्स भी हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।